मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप सभी को जय हिंद। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे जो एफएमसी का टेस्ट होता है, स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, वो 3 दिन का होता है और उस 3 दिन में क्या क्या होता है, कैसे कैसे सिलेक्शन प्रोसीजर है इसका, किस प्रकार से इस 3 दिन में कौन कौन सी इवेंट्स होती हैं, कैसे फर्स्ट डे क्या होता है, सेकंड डे क्या होता है, थर्ड डे क्या होता है, ये 3 दिन का ही इसका पूरा का पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर है। उसके बाद आपको 3 दिन बाद ही पता लग जाता है कि आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ। इसके बाद आप अदर काउंसलिंग कर सकते हैं। तो एफएमसी से जब आप एमबीबीएस करते हैं, सेना में डॉक्टर बनते हैं, तो वहां पर आपको मान सम्मान, शोहरत, गाड़ी, बंगलो, नौकर चाकर, पैसा, ये सब कुछ फैसिलिटी मिलती है। तो मैं आपको इसमें पूरा प्रोसेस बताऊंगा, क्या क्या आपको सामान लेके जाना है, क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, मेडिकल में क्या होता है, इंटरव्यू में क्या होता है, कब आप एफएमसी में अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो अदर काउंसलिंग में कब आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ये पूरा का पूरा मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको। तो अगर आप भी एफएमसी के सिलेक्शन के लिए इंटरेस्टेड हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंटरेस्टेड रहेगा, और मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि इस प्रकार का वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा। मेरे एक एक वर्ड में आपको सच्चाई मिलेगी। 2017 से ये चैनल चल रहा है और 2017 से मैंने नीट एस्पिरेंट को बहुत नॉलेज दिया है एडमिशन के रिगार्डिंग। तो मैं जो इस वीडियो में बताऊंगा वो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, और जो स्टूडेंट ने एडमिशन लिया है एफएमसी में, मैंने बात किया है उनसे, मैं खुद भी एफएमसी में गया हुआ हूं, वहां 3 दिन तक रुका हूं, तो उसके अकॉर्डिंग मैं ये पूरा का पूरा प्रोसेस आपको बताने वाला हूं, और यही प्रोसेस 21 में रहने वाला है। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जारी कर दिया है एफएमसी ने, आप एफएमसी की साइट पर जाकर के उसका पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर देख सकते हैं, लेकिन जो मैं ये 3 दिन का आपको प्रोग्राम बता रहा हूं ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये सिर्फ आपको मेरे चैनल पर ही मिलेगा कि किस प्रकार से 3 दिन में आपको सिलेक्शन लेना है। तो इसमें सीट्स वगैरह का और जो इसकी एलिजिबिलिटी है उसका मैं पहले वीडियो बना चुका हूं। आज हम ये देखेंगे कि इसके अंदर हमने एडमिशन लेते हैं तो कहां कहां अप्लाई करना है, क्या क्या इंटरव्यू में होता है, क्या क्या इसमें मेडिकल होता है, ये सारा हम इसमें जानते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले हर दिन की तरह फिर मैं आपको बताता हूं कि अगर आप काउंसलिंग के बारे में नॉलेज लेना चाहते हैं तो ऑल इंडिया कोटा, स्टेट कोटा, आयुष वेटनरी की बुक मैंने लिख दी है। तो ये बुक में पूरा प्रोसेस समझाया गया है एमबीबीएस बीडीएस एडमिशन का, और इसमें कैसे आपने एडमिशन लेना है, फर्स्ट राउंड कट ऑफ, सेकंड राउंड कट ऑफ प्रीवियस ईयर की दी हुई है, इसके बाद प्रोसीजर क्या होगा फर्स्ट राउंड का, सेकंड राउंड का, पूरी तरह से समझाया। ये बुक आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, बड़ी मेहनत से मैंने लिखी है। इसमें अर्न करने का कोई सिस्टम नहीं है, मैं अपनी जेब से भी इसमें पैसे भरता हूं, पिछले साल मैंने अपने जेब से भी इसमें एक्सपेंस किया है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने स्टूडेंट के हेल्प के लिए बुक बनाई है रात दिन मेहनत करके, तो आपको डाउनलोड करनी चाहिए इसको। दूसरी बात, जो ये वीडियो बन रहा है ये एफएमसी के स्टूडेंट की हेल्प के लिए बन रहा है, कोई व्यूज के लिए, कोई किसी प्रकार के व्यूज के लिए नहीं बन रहा है। एक एक वर्ड में सच्चाई होगी, इस पे आप विश्वास कर सकते हैं। जो मेरा चैनल पहले से देख रहे हैं वो इस बात को जानते हैं। मैं इतना बड़ा लंबा वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि अभी आपका पढ़ाई का कोई टेंशन नहीं है, आप आराम से वीडियो देख सकते हैं। जब आपकी पढ़ाई की टेंशन थी तब मैंने वीडियो नहीं बनाया, 3 या 4 दिन से एक वीडियो लेके आता था, वो भी कभी मोटिवेशनल या फिर किसी इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग। तो चलो एफएमसी के बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको एफएमसी के लिए रजिस्ट्रेशन करना है एमसीसी की साइट पर। एफएमसी के लिए रजिस्ट्रेशन एमसीसी की वेबसाइट पर सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। वहां पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट करनी होगी, इसके साथ में रजिस्ट्रेशन फीस डिपॉजिट करनी होगी, जो ऑल इंडिया कोटा के लिए भी होती है और एफएमसी के लिए भी होती है। तो आपको अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 11,000 रुपीज पे करना होगा, अगर आप ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी से हैं
तो 5,500 रुपीज पे करना होगा रजिस्ट्रेशन प्लस सिक्योरिटी अमाउंट, जो आपके ऑल इंडिया कोटा में भी काम आएगा और एफएमसी के रजिस्ट्रेशन में भी काम आएगा। रजिस्ट्रेशन सेम है, जब आप ऑल इंडिया कोटा का रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उसमें एफएमसी भी टिक कर देना है आपने, तो वहां पर आपका एफएमसी का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। एफएमसी का रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपने ऑल इंडिया की चॉइस फिल करनी है, एफएमसी के लिए कुछ भी नहीं करना है, ऑल इंडिया कोटा की आप अपनी च्वाइसें फिल करें। सारा सब कुछ कंप्लीट होने के बाद जब ये रजिस्ट्रेशन करते हैं उसके 10 या 12 दिन बाद, यानी कि ऑल इंडिया का जब रिजल्ट निकलने वाला होता है उसका एक दो दिन बाकी होता है या फिर रिजल्ट निकल चुका होता है, उसके नियर बाई एफएमसी की वेबसाइट पर, एफएमसी की वेबसाइट पर आपको एक पीडीएफ में लिस्ट मिलेगी स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए। उस लिस्ट में आपने अपना नाम चेक करना है। वो लिस्ट एक कट ऑफ लिस्ट होती है, यानी कि इसके ऊपर वाले कैंडिडेट, उस कट ऑफ मार्क्स से ऊपर वाले कैंडिडेट उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 2020 के लिए बॉयज कैंडिडेट के लिए 619 थी और गर्ल्स कैंडिडेट के लिए 637 कट ऑफ रही थी। ये यानी कि इससे ऊपर वाले सभी कैंडिडेट इसमें इलिजिबल थे। मैं यहां पर आपको एक बता दूं, जो एससी एसटी की कट ऑफ है वो भी सेम ही है, इसमें एससी एसटी की अलग से कोई कट ऑफ नहीं होती है। जो बायोज के लिए जो कट ऑफ थी उसमें एससी एसटी के लिए शामिल थे लड़के, उसके बाद जो मेरिट निकलती है उसमें 10 सीट एससी एसटी के लिए रिजर्व होती हैं, वो बाद में मेरिट के मेरिट निकलने के बाद एससी एसटी कैंडिडेट की जो मेरिट है वो थोड़ी डाउन जाती है, 10 सीट्स उसकी रिजर्व होती हैं। तो ये कट ऑफ आपकी वहां मिलेगी, आपको उस लिस्ट में मिलेगी और उस लिस्ट में डेट वाइज प्रोग्राम दिया होगा। डेट वाइज का मतलब है कि आपका कौन सी डेट को ये स्क्रीनिंग टेस्ट है, वो आपने अपनी डेट चेक कर लेनी है। ये 2 या 3 दिन के अंदर अंदर ही ये टेस्ट आ जाता है, तो इसमें आपको डेली चेक करना है एफएमसी की वेबसाइट। जब ऑल इंडिया का फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आने वाला होता है या आ चुका होता है, इसी के नियर बाई ये लिस्ट पब्लिश होती है एफएमसी की वेबसाइट पर, तो आपको ये लिस्ट चेक करते रहना है। वैसे मैं भी इसका वीडियो बना देता हूं कि एफएमसी की स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए लिस्ट पब्लिश हो चुकी है, आप अपना नाम उसमें चेक कर लें और एफएमसी पुणे पहुंच जाएं, तो उसमें सारा सब कुछ दिया होता है। तो अगर उस लिस्ट में आपका नाम है, वो कट ऑफ से ऊपर आपके मार्क्स है और उसमें आपका नाम है, तो उस डेट को जो उसमें डेट मेंशन होती है कि इस डेट को आपको इस स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए जाना है, तो उस डेट को आपको पहुंच जाना है, तो उसमें टाइम भी दिया होता है। ये 7:30 या 7 o'clock पर आपको सुबह पहुंचना होता है मॉर्निंग में एएफएमसी पुणे कैंपस में। तो वहां आपको लेकर क्या जाना है, अभी मान लो आपका उस लिस्ट में नाम है, आपको क्या क्या लेकर जाना है, तो लेकर जाने के लिए आपके पास सबसे पहले अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होंगे। हालांकि उसमें भी, उस लिस्ट में भी लिखा हुआ आएगा कि आपको क्या क्या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, फिर भी मैं आपको यहां बता देता हूं, नोट कर लो आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, स्टडी एंड कंडक्ट सर्टिफिकेट जो करेक्टर सर्टिफिकेट होता है वो, टीसी, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, इसके अलावा अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट हैं तो एससी एसटी का सर्टिफिकेट आपको ले जाना होगा। इसके बाद अगर आपके पास कोई एनसीसी का या फिर कोई स्पोर्ट्स का या फिर और कोई किसी एक्टिविटीज का आपके पास सर्टिफिकेट है, तो वो सर्टिफिकेट आपको जरूर लेकर जाना है, क्योंकि इंटरव्यू में ये देखा जाता है कि आप वहां क्वालिफाई सारा सब कुछ करके अच्छे मार्क्स से तब तो आप जाते ही हैं, इसके अलावा आप क्या कर रहे हैं, क्या रुचि है आपकी, कौन सा मतलब स्पोर्ट्स में है या फिर उसके अलावा क्या है, तो ये सारा इंटरव्यू में देखा जाता है, तो ये चीजें आपको लेकर जानी है वहां पर।
तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं। डॉक्यूमेंट्स में ये सारे आ गए, फिर आपका नीट का रिजल्ट लेके जाना है और आपका एडमिट कार्ड भी लेकर जाना है। इसके बाद में 16 आपके पासपोर्ट साइज के स्टैम्प साइज के फोटो होने चाहिए, वो 16 फोटो लेके जाना है। आपका एक आईडी प्रूफ लेके जाना है, आधार कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया, या फिर आपका ये जो भी आईडी प्रूफ है वो लेके जाना है। गवर्नमेंट से इश्यू किया हुआ आईडी प्रूफ आपको लेकर जाना है। तो ये तो हो गए डॉक्यूमेंट्स। अभी आपके पास में सामान क्या कैरी करके लेके जाना है, तो आपके पास में पेरेंट्स आपके साथ में जाएंगे, तो आप 3 दिन वहां रुकने का सामान लेके जाएं, अपने पेरेंट्स के साथ में वहां रुकने का सामान लेके जाएं। तो अपने मौसम के हिसाब से वहां देख के कि पुणे में क्या वहां वेदर रहेगा, क्या हमें शॉल लेके जानी है, कंबल लेके जानी है, क्या वहां से अरेंज करना है, तो ये इस प्रकार का आप अरेंजमेंट करके चले। यहां से 3 दिन रुकने का वहां का अरेंजमेंट आप घर से ही लेकर चले। अब आपको जिस दिन आपका स्क्रीनिंग टेस्ट है उस दिन आपको सुबह 7 बजे 7 o'clock मॉर्निंग आपको वहां पहुंचना है कैंपस के गेट पर। पुणे रेलवे स्टेशन के साथ ही ये कैंपस है, तो वहां आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो वहां आपको पहुंचना है। पहुंचने के बाद में गेट पर वो आपसे इनिशियली थोड़ा सा चेकिंग करेंगे कि हाँ आपका नाम इस लिस्ट में है, तो आप फिर गेट में इंटर कर सकते हैं। तो जैसे ही आप इंटर करोगे, मैं आपको यहाँ एक चीज और बता दूं, AFMC एडमिशन के लिए वहां पर आपको इन तीन दिन में सबसे जो चीज है मेन चीज, वो एक तो आपका टॉयलेट टेस्ट है, इसके बाद में जो दूसरा है वो है इंटरव्यू, दूसरा है वो इंटरव्यू है, और तीसरा है मेडिकल। ये तीनों ही चीज बड़े इंपॉर्टेंट है, ये तीन ही चीज पर, इन तीनों पर ही आपका सिलेक्शन होता है। इन तीनों के बारे में मैं आपको अलग अलग बताऊंगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सबसे पहले जाके आपको करना क्या है। तो जैसे ही आप गेट में इंटर करते हैं, AFMC गेट में इंटर करते हैं, पेरेंट्स आपके साथ में होते हैं, तो पेरेंट्स को एक उनके लिए बैठने के लिए व्यवस्था की जाती है, तो पेरेंट्स को साइड में बैठा दिया जाता है और उनको एक अधिकारी द्वारा समझाया जाता है कि AFMC में क्या होता है, क्या सैलरी मिलेगी, क्या इसका आगे सर्विस करने का है, PG में कैसे मौका मिलेगा। तो ये पेरेंट्स को समझाते रहते हैं और वहां सारा अरेंजमेंट होता है पेरेंट्स के लिए। तो पेरेंट्स को एक तरफ बैठा दिया जाता है, बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उसमें गर्ल्स कैंडिडेट का अलग ग्रुप बनाया जाता है और बॉयज कैंडिडेट का अलग ग्रुप बनाया जाता है। वहां पर आपको एक रोल नंबर दिया जाएगा, जैसे कि आर्मी वगैरह में रिक्रूटमेंट होता है, वहां एक चेस्ट नंबर दे दिया जाता है, उसी प्रकार आपको वहां पर एक रोल नंबर अलॉट किया जाएगा और 10-10 का या फिर 20-20 का ग्रुप बना दिया जाएगा। बॉयज का अलग ग्रुप बनाया जाएगा और गर्ल्स का अलग ग्रुप बनाया जाएगा। तो ये आपको वहां पर ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाएगा। ये ग्रुप में डिवाइड इसलिए किया जाता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स के लिए, मेडिकल के लिए, टेस्ट के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं हो, आपके रोल नंबर से वहां आपको बुलाया जाए, आपके ग्रुप से वहां बुलाया जाए, रोल नंबर से बुलाया जाए। तो इस ग्रुप में इसलिए बांटा जाता है कि एक व्यवस्था बनी रहे, कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। अब ये ग्रुप में फिर आपका वहां एक इनिशियली डॉक्यूमेंट्स चेक होगा, मोटा मोटा डॉक्यूमेंट्स चेक होगा कि आपके पास में सारे डॉक्यूमेंट्स हैं या नहीं है, तो वो अपने आपने डॉक्यूमेंट्स चेक करवा लेने हैं। अब डॉक्यूमेंट्स चेक होने के बाद में आपका एक थोड़ा सा मेडिकल होगा, इनिशियली तौर पर मेडिकल होगा कि आप पे कोई दिक्कत तो नहीं है मेडिकल में, तो थोड़ा सा आपका मेडिकल होगा वहां पर। ये सारा होने के बाद में इसके बाद में आपका टेस्ट होगा, जो टॉयलेट टेस्ट है वो टेस्ट होगा। इसमें ये 80 मार्क्स का टेस्ट होता है, 80 मार्क्स का टेस्ट होता है। इसका मैं प्रोसीजर पहले बता चुका हूं कि इसमें क्या क्या होता है, तो इसके लिए आप अभी से तैयारी कर सकते हैं। आप एक इसके लिए AFMC टोले टेस्ट के लिए बुक ले सकते हैं, ये अरियंत पब्लिकेशन की बुक भी आती है, राय पब्लिकेशन की भी आती है, और सारी बुक बहुत हैं, तो आप इसकी बुक ले सकते हैं। ये 10th लेवल के इसमें इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन आते हैं इसमें, तो आपको इसमें इसके अच्छी तरह से तैयारी कर लेनी है। तो ये भी एक मेन टेस्ट है। अब इसमें जो आपका 720 का जो नीट का एग्जाम हुआ था
वो मैक्सिमम मार्क्स 720 थे और ये 80 मार्क्स का टोलेट टेस्ट होगा, इन दोनों को टोटल करके 800 कर लिया जाएगा। अब जो टोलेट टेस्ट के अंदर आपके ऑब्टेन मार्क्स है और नीट के अंदर ऑब्टेन मार्क्स है, उन दोनों का टोटल करके फिर उसको 200 से डिवाइड, 4 से डिवाइड किया जाएगा, तो 200 का आपका ये पेपर आ जाएगा। इसको 8 को भी 4 से डिवाइड किया जाएगा, 800 को भी, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो मैक्सिमम मार्क्स आपके 200 का हो जाएगा और ऑब्टेन मार्क्स में भी 4 से डिवाइड किया जाएगा, तो वो भी आपके 4 से डिवाइड करने के बाद में जो भी मार्क्स आते हैं वो आपके ऑब्टेन मार्क्स रहेंगे। अब इसमें ये तो हो गया टोलेट टेस्ट, आप इसमें कितना गेन करते हैं, तो फर्स्ट वाले दिन आपका यही होता है। अब ये टोलेट टेस्ट है वो सीबीटी होता है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, और ये टेस्ट होने के बाद में आपका फिर एक नॉर्मल मेडिकल होगा जिसमें आपका यूरिन टेस्ट होगा, इसके बाद आपका चेस्ट टेस्ट होगा, ब्लड टेस्ट होगा, उसमें चेस्ट का एक्सरे लिया जाएगा। तो ये नॉर्मली सी होता है ये टेस्ट होने के बाद। तो ये सारी जो कार्रवाई है ये फर्स्ट डे की कार्रवाई है, यानी कि पहले दिन आपको इतना करना पड़ेगा। ये सुबह 7 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक कंप्लीट होता है। तो आप इसमें दिन में अपना जो अरेंजमेंट है, जैसे आप अपने वाटर बॉटल साथ रखें, लंच साथ लेकर जाएं दोपहर का, इसके बाद में सुबह तो आप ब्रेकफास्ट करके जाएंगे तो लंच साथ लेके जाना है आपने, इसके बाद मास्क वगैरह जो अभी चल रहा है, ये कोविड चल रहा है, तो उसके उनको ध्यान में रखते हुए मास्क वगैरह आपने लेकर के जाना है। तो ये आपका काम हो गया फर्स्ट डे का। फर्स्ट डे का काम होने के बाद अगर आपके पेरेंट्स वहां कैंपस में रुकना चाहते हैं तो पेरेंट्स रुक सकते हैं, स्टूडेंट को रुकने नहीं दिया जाता है वहां, स्टूडेंट अपने अरेंजमेंट पर बाहर होटल में रुक सकते हैं। तो पेरेंट्स भी आपके साथ होटल में रुकना चाहें तो रुक सकते हैं, अदरवाइज अगर आप होटल में रुकना चाहें या पेरेंट्स कैंपस में रुकना चाहें तो वो रुक सकते हैं। तो ये अपना आप अरेंजमेंट कर लें। वहां आप 6 बजे वहां से छूट जाने के बाद में फर्स्ट डे का काम कंप्लीट हो जाता है और वहां आप रुक जाएं। तो ये फर्स्ट वाले दिन हो जाएगा। अब ये टोलेट टेस्ट, हाँ एक चीज मैं बता दूं आपको, ये टोलेट टेस्ट के बाद में इंटरव्यू भी फर्स्ट डे को ही होता है। इस टेस्ट के जस्ट बाद इंटरव्यू हो जाता है और वो इंटरव्यू मैन होता है। मैं आपको आगे बताऊंगा कि वो इंटरव्यू मैन क्यों होता है। अब इंटरव्यू ये होता है वो 50 मार्क्स का होता है, इंटरव्यू 50 मार्क्स का होता है। तो टोटल ऑब्टेन मार्क्स कितने हो गए आपके टोटल मैक्सिमम मार्क्स हो गए आपके 250, और जो आपने नीट में लिए हैं मार्क्स और टोलेर में जो मार्क्स लिए हैं उनका टोटल करके 4 से डिवाइड किया, वो ऑब्टेन मार्क्स प्लस आपके जो इंटरव्यू के ऑब्टेन मार्क्स हैं उनको मिला के फिर मेरिट तैयार की जाती है। तो ये जो 50 मार्क्स हैं इंटरव्यू के, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है ये मैं इसलिए बता देता हूं। मान लो कोई स्टूडेंट है, मान लो एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूं, कोई स्टूडेंट है और इस बार जो कट ऑफ रह रही है वो 600, मान लो किसी स्टूडेंट के 630 मार्क्स हैं, एक स्टूडेंट के 630 मार्क्स हैं और एक स्टूडेंट के 680 मार्क्स हैं। ये हम एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं, एक स्टूडेंट के 630 हैं, एक स्टूडेंट के 680 मार्क्स हैं। अब जो ये टोलेट टेस्ट हुआ था, इस टेस्ट में मान लो दोनों स्टूडेंट ने 70 मार्क्स गेन किए हैं, तो ये हो गया 700 मार्क्स हो गए इस स्टूडेंट के और इस स्टूडेंट के 750 मार्क्स हो गए। तो इसमें ज्यादा किसके हैं, 680 वाले मार्क्स, कैंडिडेट के मार्क्स ज्यादा हैं। अब इनको दोनों को 4 से डिवाइड किया जाएगा, जब 4 से डिवाइड किया जाएगा तो ऑब्वियसली ये जरूरी है इसी स्टूडेंट के मार्क्स ज्यादा आएंगे। तो इसी स्टूडेंट के मार्क्स ज्यादा आएंगे तो जरूरी नहीं है कि इसके अभी मार्क्स ज्यादा आ रहे हैं तो इसका सिलेक्शन हो। अब मान लो इन 50 मार्क्स में से इस स्टूडेंट के इंटरव्यू में मार्क्स कम आते हैं
और इस स्टूडेंट के इंटरव्यू में मार्क्स ज्यादा आते हैं तो ये इसका सिलेक्शन हो जाएगा, इसका सिलेक्शन नहीं होगा। तो इसलिए ये इंटरव्यू बहुत ही जरूरी है। अब इस इंटरव्यू में क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं, अब इस इंटरव्यू में जो सवाल पूछे जाते हैं वो नॉर्मली सवाल पूछे जाते हैं। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बता दूं, इससे पहले, इस इंटरव्यू से पहले टोलेर टेस्ट के बाद एक पीएटी टेस्ट होता है जिसके मार्क्स नहीं जुड़ते हैं, वो सिर्फ क्वालिफाइंग के लिए होता है। क्वालिफाइंग का मतलब इसमें जो ये साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट होता है, इसमें इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपके माइंड सर्च के लिए ट्यूशन पूछे जाते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं कि आपका कितना माइंड है, यही पूछा जाता है इसमें। तो इसमें जैसे एग्जांपल के तौर पर अभी चल रहा है किसान आंदोलन चल रहा है, तो उसमें ये पूछ लिया जाएगा कि क्या किसान आंदोलन से आप एग्री हैं, डिसएग्री हैं, आप इस प्रकार के इसमें ऑप्शन दिए होते हैं। तो इस प्रकार से आपका माइंड रीड, आपकी राय ली जाती है। और ये जो पीएटी टेस्ट है ये जुड़ा हुआ होता है इंटरव्यू से, ये जुड़ा हुआ होता है इंटरव्यू से, यानी कि आप इनमें क्या जवाब दे रहे हैं इस पीएटी टेस्ट में, उसी प्रकार के, उसी के रिलेटेड क्वेश्चन आपके इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। अब इंटरव्यू में ये सिर्फ क्वालिफाइंग के लिए होता है, ये मैं आपको बता चुका हूं, इसके मार्क्स जुड़ते नहीं है। अब इंटरव्यू की बात करें, इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाता है, तो इंटरव्यू में आपका कोई वहां नॉलेज नहीं देखा जाता। इंटरव्यू में एक चीज देखी जाती है कि आप कितने हाजिर जवाब हैं, आप कितने कॉन्फिडेंस के साथ में आंसर दे रहे हैं, चाहे आपको आंसर आता है या नहीं आता है वो बात अलग है, नहीं आता है आप ये मान लेते हैं कि सर मेरे को ये आंसर नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, यानी कि आपके नॉलेज के लिए कोई नहीं पूछा जाता, आप कितना माइंड, आपकी सोच क्या है। तो इस प्रकार से इंटरव्यू के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे आपके एरिया के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बता दूं, जैसे ही आप गेट में सुबह इंटर करेंगे 7:30 बजे, उसके बाद में जब आपका ग्रुप्स डिवाइड किया जाएगा, उस ग्रुप्स डिवाइड करने के बाद आपको एक सिंपली सी फॉर्म दिया जाएगा, उसमें आपकी डिटेल भरनी है, आपके पिताजी क्या काम करते हैं, नाम क्या है, आपके नीट के मार्क्स कितने हैं, मदर क्या करती है, क्या आपका इनकम का सोर्स क्या है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपने उसमें लिखने हैं, उसका जवाब देना है। तो वही इंटरव्यू में उनके पास में ये रिकॉर्ड चला जाता है, तो इंटरव्यू में उससे रिलेटेड भी वो पूछते हैं, उसका क्रॉस चेक भी करते हैं। तो इसमें आपसे ये पूछा जाएगा आप रहने वाले कहाँ के हैं, आप वहां की अपने कोई फेमस चीज बता सकते हैं। इसके बाद में एक जो नॉर्मल क्वेश्चन, कॉमन क्वेश्चन जो पूछा जाता है, आप AFMC क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, तो सभी अपने अपने अलग अलग राय देते हैं, आप भी अपनी राय पहले ही सोच कर रख लीजिएगा कि आप AFMC क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। इसमें अगर आप सिंपल सी क्वेश्चन का आंसर देंगे तो वो ज्यादा इम्प्रेस होते हैं। इंटरव्यू में 5 ऑफिसर का एक बोर्ड होता है, उसमें अलग अलग नेवी के ऑफिसर होते हैं, आर्मी के होते हैं और एयरफोर्स के ऑफिसर होते हैं, तो वो बोर्ड के सामने आपको वहां पर इन क्वेश्चंस के रिप्लाई देने हैं। क्वेश्चंस नॉर्मल होते हैं, दिमाग से आपने जवाब देना है। दूसरा, आपसे ये पूछा जाता है कि AFMC में क्यों आना चाहते हैं, तो आप उसका अलग अलग टाइप से, मतलब अलग ही रिप्लाई देंगे तो बेटर रहेगा, ये मैं आपको बता चुका हूं। इसके बाद में आपको ये भी नॉलेज होना चाहिए कि आपके जो एरिए में आर्मी, एयरफोर्स, नेवी जो भी है, वो कितना उसका एरिया है, कौन सा है, क्या बेस है, तो इस प्रकार का आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, आपके नजदीक एयरबेस कौन सा है, तो इस प्रकार का थोड़ा सा आपको नॉलेज होना चाहिए। तो ये पीएटी टेस्ट के बारे में भी वो बुक में मिल जाएगा, इंटरव्यू के लिए भी थोड़ा थोड़ा वो बुक में देते हैं, उसी बुक में देते हैं कि कैसे कैसे इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये होता है इंटरव्यू। तो ये फर्स्ट डे का पूरा आपको मैंने प्रोग्राम बता दिया है कि ये होता है, इसमें आप इसकी तैयारी पहले ही करके रख ले। अब जब फर्स्ट डे खत्म हो जाता है, यानी कि पूरी इवेंट्स खत्म हो जाती है, उसके बाद आप रुक सकते हैं, होटल में रुक सकते हैं। दूसरे दिन आपको विदाउट ब्रेकफास्ट किए ही जाना है,
वो आपको पहले ही बता देंगे कि कल आपका मेडिकल होगा और कल आपको बिना ब्रेकफास्ट के आना है। तो दूसरे दिन जाएंगे आप, इनिशियली तो मेडिकल आपका हो चुका है लेकिन दूसरे दिन पूरे दिन मेडिकल होगा। ये मेडिकल आपके लिए अहम है। इस मेडिकल में क्या क्या होगा, इसमें आपके पूरे शरीर की जांच होगी और वो अलग अलग डिपार्टमेंट में होगी। जैसे कि आपको पहले ऑप्थोल्मोलॉजी में लेके जाएंगे, वहां आपकी आईसाइट चेक होगी, उसके बाद में अगर गर्ल्स कैंडिडेट हैं तो गायनो में लेके जाएंगे और इसके बाद में मेल कैंडिडेट को फिर सर्जरी में लेके जाएंगे, वहां आपके पूरे शरीर के पार्ट्स चेक होंगे, एक्सरे होगा वहां पर, इसके बाद में आपका हियरिंग के लिए इंस्ट्रूमेंट लगा के फिर ये देखेंगे कि कितना आपको सुनाई दे रहा है, कौन से वर्ड सुनाई दे रहे हैं, इसके बाद में ईएनटी में आपको लेकर जाया जाएगा, वहां पर ये पूरा आपका जो आपके कान वगैरह हैं ये आप पहले ही क्लीन करके जाएं, कोई उसमें प्रॉब्लम ना हो। तो इस प्रकार से वहां पूरे दिन ही अलग अलग डिपार्टमेंट में, जैसे पीडिया में ले जाते हैं या फिर मेडिसिन में ले जाते हैं, वहां आपका वेट करते हैं, हाइट चेक करते हैं, बीपी चेक करते हैं। तो इस प्रकार का पूरे दिन ये मेडिकल होता है। ये मेडिकल बड़ा ही सख्त होता है, इसमें हर एक चीज देखी जाती है। तो मेडिकल में आप एफएमसी में जाने से पहले अपने कान दांत वगैरह ये सारे अच्छी तरह से साफ करके जाएं, तो वहां इतनी ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये पूरे दिन का प्रोग्राम है, अलग अलग डिपार्टमेंट में आपको ले जाया जाएगा और अलग अलग डिपार्टमेंट में आपका मेडिकल होगा पूरे दिन। अब मेडिकल होने के बाद में तीसरा, ये डे सेकंड डे का हो गया काम, शाम को 6 बजे वापस आप अपने रहने की जगह, जो आप होटल में ठहरे हैं या कहीं भी ठहरे हुए हैं वहां आ जाएंगे। तीसरे दिन सुबह आपको फिर जाना है वहां पर, और वो तीसरे दिन का इंतजार होता है हर एक स्टूडेंट को। वहां आपके सबसे पहले तो मेडिकल का रिजल्ट सुनाया जाएगा कि आप मेडिकल फिट हैं या अनफिट हैं। तो अगर आप मेडिकल फिट हैं तो आगे की कार्रवाई आप प्रोसीड कर सकते हैं, अगर आप मेडिकल अनफिट हैं तो वहां आपको बता दिया जाएगा कि कौन से किस चीज में आप मेडिकल इनफिट अनफिट हैं। उसके लिए आप अपील भी कर सकते हैं। अपील का मतलब यह है कि किसी के कान साफ नहीं थे, किसी के दांत साफ नहीं थे, उनमें इनको रिजेक्ट किया है, तो वो फिर उनका सॉल्यूशन करके दूसरे दिन दूसरे बोर्ड के जो हायर बोर्ड होता है उसके समक्ष वो प्रेजेंट होते हैं, वहां फिर उनका फिर मेडिकल होता है और वो पास होते हैं, तो उस अपील को मान लिया जाता है और मेडिकल फिट कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से आप मेडिकल के लिए अपील भी कर सकते हैं। तो ये हो गया मेडिकल का प्रोग्राम कि क्या क्या होता है। मेडिकल का रिजल्ट आपको सुना दिया जाता है, मेडिकल फिट नहीं है, आप अनफिट है। मेडिकल अनफिट होने के बाद आप घर भी आ सकते हैं, और अगर मेडिकल फिट हैं तो आप वेट करें आपके आगे रिजल्ट का। तो उसके कुछ देर बाद या आफ्टरनून में आपको पूरा मेरिट का रिजल्ट भी बता दिया जाएगा कि आपका रिजल्ट क्या हुआ है। उसमें आपको दो प्रकार की लिस्ट, एक तो सिलेक्टेड कैंडिडेट होते हैं जिनका ऑलरेडी मतलब जितने सीटें हैं, जैसे बॉयज के लिए 115 सीट हैं, गर्ल्स के लिए 30 सीट हैं, 5 सीट इसमें स्पॉन्सर्ड के लिए हैं, तो ये इनमें सारे जितने सारे कैंडिडेट होते हैं उनके लिए लिस्ट होती है, सिलेक्शन लिस्ट होती है, और एक वेटिंग लिस्ट होती है, वो भी पब्लिश कर दी जाती है। वेटिंग लिस्ट का मतलब यह है कि अगर इनमें से कोई स्टूडेंट एडमिशन लेने नहीं लेना चाहता, सिलेक्शन हो गया उसका, कहीं दूसरी जगह लेना चाहता है, तो वो अगर सीट छोड़ता है तो उसमें वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट का नंबर आ सकता है। इसमें तो दो प्रकार की लिस्ट जारी की जाती हैं, ये एएफएमसी की वेबसाइट पर भी लिस्ट डाल दी जाती हैं, तो आप वहां से भी चेक कर सकते हैं। तो इस प्रकार से 3 दिन का आपका पूरा सिलेक्शन प्रोग्राम हो गया एएफएमसी का। यही आपको पता लग जाएगा आपका एएफएमसी में सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो आप ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग प्रोसीड कर सकते हैं, अपने स्टेट की काउंसलिंग देख सकते हैं, अगर आपका वहां हो गया है तो आप वहां ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद में जिन कैंडिडेट का सिलेक्शन हो गया है 7 दिन तक, अगर वो ज्वाइन कर लेते हैं 7 दिन के अंदर अंदर
सीट नहीं छोड़ते हैं, 7 दिन बाद सीट छोड़ना चाहते हैं, 7 दिन के अंदर छोड़ सकते हैं, कोई किसी प्रकार का बॉन्ड नहीं है। 7 दिन के बाद अगर सीट छोड़ना चाहते हैं तो इस बार 65 लाख का बॉन्ड है तो वो आपको बॉन्ड पे करना होगा। एडमिशन के टाइम में आपको एक एफिडेविट पर साइन करवा लिया जाता है, बोर्ड पर साइन करवा लिया जाता है कोर्ट से कि ये अगर मैं कोर्स डिसकंटिन्यू करता हूं तो इतना पे करूंगा, 65 लाख रुपीज पे करके ही इसको मैं छोड़ सकता हूं सीट को। तो इस बार 65 लाख इसको रखा गया है, तो वो सारा सब कुछ आप एक बार देख लें। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस मैंने एएफएमसी का बता दिया है। ये प्रोसेस एक्चुअल में आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये सिर्फ चोपड़ा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मिलेगा। जाते जाते आपको फिर एक बात बता देता हूं कि अगर आप काउंसलिंग के बारे में और कुछ सभी के बारे में, एम्स वगैरह, ऑल इंडिया कोटा, स्टेट के बारे में जानकारी चाहते हैं तो हमारी बुक जरूर लीजिएगा। वो बुक मैंने एक एक वर्ड में, उस बुक के एक एक वर्ड में सच्चाई है। स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी की वेबसाइट से सारा डाटा लिया गया है, आप नेट वगैरह पर चेक करेंगे आपको कहीं सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, लेकिन मेरी बुक में आपको बिल्कुल राइट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो मिलेंगे नए वीडियो में नई अपडेट के साथ में, तब तक मैं हर्षाई चोपड़ा आपसे लेता हूं विदा। जय हिंद।